नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जॉब न्यूज़ नाउ में। अब मैं आपको इंडियन एयरफोर्स में जो एयरमैन के एक्स और वाई ग्रुप दो 2019 में जो वैकेंसी निकली थी उनके रिज़ल्ट के बारे में बताना चाहूँगी। इंडियन एयरफोर्स ने एक्स और वाई ग्रुप दो 2019 का रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। आपको ये रिज़ल्ट कैसे देखना है इसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल जॉब न्यूज़ नाउ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिल सके। अब मैं आपको बताती हूँ इंडियन एयरफोर्स ने जो एक्स और वाई ग्रुप दो 2019 का रिज़ल्ट है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जाके टाइप करना होगा www.airmanselection.cdac, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये बड़ा पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, CASB Home CDAC। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये नोटिस आ गया, डियर कैंडिडेट्स, रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर इंटेक 1/2020 हैज़ बीन अपलोडेड इन कैंडिडेट्स लॉगिन अंडर व्यू रिजल्ट, एडमिट कार्ड फॉर कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज टू अवेलेबल इन देयर लॉगिन। आपका जो लॉगिन आईडी है उसमें आपका जो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट हैं उनके फेज टू का जो एडमिट कार्ड है वो अवेलेबल होगा अंडर योर रिजल्ट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ग्रुप क्वालिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज टू टेस्टिंग इज अवेलेबल अंडर कैंडिडेट्स टैब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर फेज टू इनटेक 1/2020, ठीक है। तो आप अपने जो कैंडिडेट लॉगिन है उसमें अपना जो है वो कर सकते हो, ठीक है। गाइडलाइन टू फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है ये इसके लिए गाइडलाइन दी गई है, ठीक है। टर्म्स मीनिंग एंड जनरल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो लेकिन जिन्होंने पहले ही अपनी जो कैंडिडेट्स आईडी है वो बना रखी है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है, अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड डालना है, ठीक है। तो उससे आपका हो जाएगा। अगर आप नए हैं तो आप न्यू यूज़र के लिए कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है कैंडिडेट में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर फेज़ टू के लिए अगर हम सिलेक्ट हुए हैं तो उसमें हमारा रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर के उससे हम अपना इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारी लिस्ट आ जाएगी ये वाली, रजिस्ट्रेशन नंबर और जिस भी ग्रुप में वो सिलेक्ट हुए हैं उसके आगे वो ग्रुप लिखा हुआ है, ठीक है। एडमिट कार्ड उनका जो लॉगिन आईडी है उनकी उससे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें देखना है कैंडिडेट में जाके ये हमारा डाउनलोड सिलेक्शन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखते हैं। डाउनलोड सिलेक्शन ये सर्टिफिकेट है सिलेक्शन के लिए जो डाउनलोड के वो दिखाए गए हैं, ठीक है। अगर हमें 2019 के लिए अप्लाई करना है तो हमें क्या करना है, साइन इन करना पड़ेगा ईमेल आईडी पासवर्ड, तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, साइन इन हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारी लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो सेव हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना क्या है ग्रुप एक्स और वाई का जो रिज़ल्ट है वो देखना है, तो जल्दी कीजिए। आप अपना रिज़ल्ट जो है वो इस तरह से देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।